शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गुड्डू भैया, वो सुबह एक पत्रकार आया था। हा? क्यों? आपके बारे में पूछ रहा था। अच्छा? हमने कह दिया घर पे नहीं है, लगता है उसको भनक लग गई है। अबे कब तक छुपाएंगे और किससे छुपाएंगे, एक न एक दिन ये बात बाहर आ ही जाएगी, पता है। गुड्डू भैया, इस बात को बाहर आ जाने दीजिए, अगर ये बात बाहर आ गई तो हम इसको चमत्कार घोषित कर देंगे। गुड्डू बाबा का चमत्कार, आइए इस पे दान दक्षिणा चढ़ाइए, दूध जल चढ़ाइए, क्योंकि ये है हमारे गुड्डू बाबा, द लॉर्ड ऑफ द लिंग्स टिंग। मेरा श्राप काम कर गया, मुझ में अभी भी काली माँ की शक्ति है। अरे लेकिन आप तो पुरुष हो, आपको हमने हाथ भी नहीं लगाए, क्यों किया ऐसा हमारे साथ? उनसे क्या पूछते हो, मुझसे बात करो। अरे बोली, अब आप देखिए, अरे नीचे हम बात करने तो आए थे, ये देखो तुम्हारे दादाजी हमारे साथ क्या किए, हमारे मर्दानगी का बुरा हाल कर डाले। अरे जल्दी आओ, अब समझाओ अपने दादाजी को ये सब, छाप वापस लेकर नॉर्मल कर दे हमको, बहुत गलत किया तुम्हारे दादाजी हमारे साथ। और तुमने सही किया क्या मेरे साथ? तुम भी और जैसे निकले गुड्डू, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा था बस तुम ही हो। कौन है आप, किससे मिलना है? सॉरी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हम चलते हैं। अरे पर आपको चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं, हमारी गलती है, हमें आना ही नहीं चाहिए था, सॉरी। अरे मिस्टर, आपने दरवाजा क्यों खटखटाया? जी हम गुड्डू हैं, वॉशिंग पाउडर सेल्समैन, पाउडर बेचने आए थे, लेकिन आपको देखा तो लगा कि इतनी खूबसूरत नाजुक सी लड़की से कपड़े धुलवाना क्या, कोई भी काम करवाना पाप करवाने बराबर है, और हम ये पाप नहीं कर सकते, चलते हैं। सो सॉरी। एक सेकेंड जी, आपका नाम क्या है? अब रहने दीजिए, मत बताइए। असल में इतने प्यार से तरासे हुए मासूम भोले चेहरे का कोई नाम होना ही नहीं चाहिए, बस अदाएं होनी चाहिए, हंसी की सरगम बजनी चाहिए, रेशमी जुल्फों की घटाएं होनी चाहिए। एक नाम तो इनको बहुत ही छोटा कर देगा। रे चलता हूं। एक और बात जी, अपना ख्याल रखना। आज मौसम बड़ा कहाँ रह गई थी तू? उधर देखो, बोली बोली क्या हुआ बेटा? दादू क्या हुआ? के बाद फिर वो दोबारा नहीं मिला। पूछताछ करने से पता चला कि गुट्टू का काम ही है ये। वो अपने वॉशिंग पाउडर की तरह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से भोली भाली लड़कियों को पहले भिगोता है, फिर उन्हें निचोड़ता है, और फिर उन्हें सूखे कपड़े की तरह तार पर डालकर चला जाता है। Thank you.
मुझे सब भोली कहते हैं, पर मैं एक बात समझ गई हूँ कि चालाकी जिंदगी में इंसान को आगे तो जरूर पहुंचा देती है, मगर जब चाल उल्टी पड़ती है ना, तो आदमी इतनी जोर से गिरता है कि आवाज नहीं होती, धमाका होता है। अरे इस धमाका में भी कोई आवाज नहीं आई ना। अरे हमें माफ कर दो भोली, भर दो हमारी झोली। दादाजी आप तो सी, अयो हम मानते हैं अपने मैनहुड का इस्तेमाल रॉबिनहुड बन के किए, लेकिन आप भी तो कभी जवान थे, आपको अपनी जवानी का वास्ता, समझिए ना, माफ कर दीजिए हमें। अरे भोली भोली देखो, हम मानते हैं हमने जो तुम्हारे साथ किया वो रावण ने सीता के साथ और दुर्योधन ने द्रौपदी के साथ किया था, छल, और इस छल का फल हमें मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा फल जिसे लेकर हमें पल पल निर्बल होकर जीना पड़े, हम ऐसी जिंदगी नहीं जी पाएंगे भोली, इसीलिए कह रहे हैं प्लीज आप ही साहब वापस ले लीजिए। देखो शराब वापस ले लो, वरना हम अपनी जान दे देंगे। ठीक है, मैं भी देखती हूँ तुम में कितनी हिम्मत है, मर जाओ। ठीक है, हम जा रहे हैं, जा रहे हैं। रुक जाओ। थैंक यू दादू, इसे माफ कर दीजिए। हाँ नहीं, मेरा श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन लेकिन क्या? प्यार का खेल खेलते आए अब तक तुम सबके साथ, हाँ? अब प्यार तुम्हारा साथ खेलेगा, जाओ जाकर प्यार की तलाश करो, एक सच्चे प्यार की। जिस दिन तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हारा सामने आएगा, उस दिन तुम ठीक हो जाओगे। सच्चा प्यार? और जब तक वो सामने रहेगा तुम ठीक रहोगे, नॉर्मल रहोगे, पर अगर हमेशा के लिए तुम्हें नॉर्मल होना है तो उस लड़की से तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, उसकी मर्जी से, उसे मंगल सूत्र डालकर, काम सूत्र डालकर नहीं, सात फेरे लेने पड़ेंगे, तब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और अगर कभी तुमने उसके साथ भी धोखा किया तो तुम्हारा लिंग हमेशा के लिए सोने का हो जाएगा, फिर तुम न रहोगे पुलिंग, न स्त्रीलिंग, आओ त्रिलिंग। अबे अघोरी कहीं के, इतनी छोटी सी बात के लिए कोई इतना बड़ा साथ देता है का? सच्चा प्यार अब कहां ढूंढे? सच्चा प्यार स्विट्जरलैंड में? बर्बाद कर दिया हमको। हम तो तुम्हें समझे थे पंछी सारस, लेकिन तुम निकली पत्थर पारस। भोली सच्चा प्यार